अगला सवाल भाइयों बहनों मैं अभय दाना जी के लिए है। सवाल है, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है क्या? और मेरा दूसरा सवाल है, ध्यान साधना क्यों जरूरी है? वैसे देखा जाए तो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही क्या बोलते हैं, जटिल ऐसा सवाल आपने मुझे पूछा है। हमेशा मतलब ये जो सवाल है मुझे थोड़ा सा कठिन ही लगता है, लेकिन मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो वैसे देखा जाए तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं कहूंगी कि मुझे नहीं पता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। क्योंकि मेरा इसके बारे में कोई भी खुद का अनुभव नहीं है, लेकिन एक बौद्ध होने के नाते मेरी बुद्ध पर श्रद्धा है, विश्वास है, और उनकी जो शिक्षाएं हैं उस पर मेरी श्रद्धा है और विश्वास है। तो बुद्ध की प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है, 12 निदानों की जो शिक्षा है, वो हमें बताती है कि किस तरह मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म में अपने कर्म विपाक के अनुसार घूमते रहता है। तो शाश्वतवादी दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि आत्मा अमर है और भगवान उसका नियंत्रक है, या ईश्वर उसका नियंत्रण करने वाला है। और उच्छेदवादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर और आत्मा इनके अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता है, और मृत्यु के साथ ही सब कुछ नष्ट होता है, ऐसा उच्छेदवादी दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति है उसको लगता है। और पुण्य और पाप कर्म का भी कुछ परिणाम नहीं है, पुण्य और पाप कर्म ही नहीं है और उसका परिणाम भी नहीं है, इसलिए खाओ पियो और मजा करो, इस तरह का जीवन उनका होता है। और बुद्ध का मध्यम मार्ग सिखाता है कि जीवन शाश्वत नहीं है और जीवन का उच्छेद भी नहीं होता है। जीवन निरंतर बदलने वाली और विकसित होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन अनित्य है और यह भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है। संस्कारित अस्तित्व अनित्य है, इसलिए सामान्य मनुष्य का असामान्य मनुष्य में परिवर्तन हो सकता है, रूपांतर हो सकता है, प्रबुद्ध मानव का निर्माण हो सकता है। यह बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है वो हमें सिखाती है। और भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि पुनर्जन्म किस चीज का। तो इस शीर्षक के अंदर बाबा साहब लिखते हैं कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, और उसमें उत्तर लिखते हैं कि इसका उत्तर हाँ ऐसा है। तो ये जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो बातें आई है कि पुनर्जन्म किस चीज का और किस व्यक्ति का, तो इसके बारे में डिटेल में बाबा साहब ने लिखा है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी श्रद्धा है इस चीज पर कि पुनर्जन्म होता है, तो हमारे कर्म के लिए, हमारे कुशल कर्म के लिए उसकी मदद होती है, या फिर एक जो जिस प्रकार का हमारा एक सर्वसामान्य व्यक्ति करके जीवन है, उससे भी उसके परे का जो जीवन है, बुद्धत्व है या ऊंचा जो जीवन है, वो जीवन प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है या हमारी श्रद्धा पुनर्जन्म के ऊपर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उलझना नहीं चाहिए, या इस चीज में हमने इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे बाबा साहब ने 1956 में धर्मांतर किया, और धर्मांतर करने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म हुआ है इसलिए कि जो भी पुराना जन्म था, उसको हिंदू धर्म था, उसको बाबा साहब ने छोड़ दिया था और बुद्ध धर्म जो है उसको अपनाया था, और तब बाबा साहब को लगा था कि यह मेरा नया जन्म है। तो अगर हमें नया जन्म चाहिए, पुनर्जन्म
पुनर्जन्म चाहिए तो हम इसी जन्म में कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि बुद्ध धम्म का जो उद्देश्य है या जो प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है या अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना नहीं है। तो बुद्ध धम्म का उद्देश्य और प्रतीत्य समुत्पाद की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है बुद्धत्व प्राप्त करना। और इसीलिए हम भंते उरगेन संघरक्षित जी ने इस बात का आत्मविश्वास दिया है कि आप इसी जन्म में श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और स्वयं बुद्ध ने भी बताया है कि आपने अगर मेरे जैसे प्रयास किए तो आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं, बोधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, इसमें फंसने के बजाय, इसमें उलझने की बजाय, ये जो जीवन मुझे मिला है इसमें मैं कैसे नया जीवन प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हमने हमारे जो जो कुछ भी संस्कार होंगे, जिस तरह के हमारा व्यवहार होगा, नकारात्मक आदतें होंगी या नकारात्मकता भरी पड़ी होंगी हमारे अंदर, तो उसको परिवर्तन जब हम करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ना प्रवज्जित होना, मतलब पुराना जो है वो छोड़ना, जो भी अकुशल है, जो भी संस्कारिकता है या जो भी बातें हैं जो हमें बुद्धत्व तक बढ़ने के लिए बाधा पैदा करती है, उसको छोड़ना, यह नया जीवन है। और यह जो जीवन है यह हमारे हाथ में है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो जो हमारे हाथ में है इस जन्म में, वो आगे का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में जो मेरे हाथ में है कि जो भी मेरी अंदर जो क्लेश है, जो भी नकारात्मकता है, उसको पीछे छोड़ना, उसको मारना, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो जब हम कुशल हमारे अंदर निर्माण करते हैं, सकारात्मकता को हम बढ़ावा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में, इसके लिए हमने इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे का जन्म है नहीं है, क्या है कैसा है, लेकिन इस जन्म में हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में बुद्ध है, हमारे जीवन में बाबा साहब है, हमारे जीवन में भंते है, हमारे जीवन में बहुत अच्छा संघ है, और हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द हमारे जो दोस्त है, हमारी भाई बहने हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धम्म को सिखाने वाले लोग मौजूद है और हमारे जैसे प्रैक्टिस करने के लिए या धम्म का आचरण करने वाले भी लोग हैं, तो इसका पूरा पूरा फायदा हमने उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी जन्म में हम अपना पुनर्जन्म जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ही बताऊंगी इसके बारे में। और दूसरा कौन सा सवाल था आपका? ध्यान साधना क्यों जरूरी है? ध्यान साधना क्यों जरूरी है? तो हमें पता है कि ध्यान से बुद्ध जन्मे हैं, है ना? बुद्ध ने ध्यान किया था, इसलिए सिद्धार्थ ने ध्यान किया था, और इसीलिए उससे बुद्ध का जन्म हुआ है। अगर हमारे जीवन में उद्देश्य श्रेष्ठ है, ऊंचा उद्देश्य है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा जीवन जीने का उद्देश्य ऊंचा है, श्रेष्ठ है, बुद्धत्व की प्राप्ति करना है, तो या फिर एक व्यक्ति के रूप में खुद को विकसित करना है, तो हमें ध्यान की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि शरीर को जैसे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को ध्यान की जरूरत होती है हमारे मन के विकास के लिए। मतलब मानव करके तो हम उत्क्रांत हो रहे हैं, मतलब सर्वसामान्य मानव से, जो भी सर्वसामान्य मानव करके जीवन जी रहे हैं, तो वो तो उत्क्रांत हम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्धत्व की दिशा में जाने के लिए या एक प्रकार से बोधि की प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक ऊंचा जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में कुछ अच्छा उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। और
हम जानते हैं कि हम सभी लोग संसार में जीवन जीते हैं और ये जो संसार है वो अनित्य है और अनात्म है और इसलिए दुखमय है, उसमें दुख है और इसीलिए हम जब संसार में जीवन जी रहे हैं दुखों का सामना होता ही रहता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आता है, भले ही हम क्या बोलते अपने क्षमता के अनुसार उसको फेस करते हैं या उसके उससे बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे, लेकिन दुख तो आता ही है, वो छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो। तो कई सारे दुखों के साथ हम जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम बौद्ध करके जीवन जी रहे हैं, एक बौद्ध करके हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो वर्तमान जीवन का दुख है, चालू जीवन का जो दुख है उसको नष्ट करें और भविष्य में दुख ना आए इसके लिए प्रयासरत रहे, उसके लिए प्रयास करें और बुद्धत्व की प्राप्ति हो, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने मिलिंद प्रश्न को पढ़ा है तो भंते नागसेन को राजा मिलिंद प्रश्न पूछते हैं कि भंते नागसेन आपका प्रवज्जित होने का क्या उद्देश्य है, तो भंते नागसेन जवाब देते हैं कि वर्तमान जीवन के दुख नष्ट हो और भविष्य में दुख ना आए इसके लिए मैं प्रवज्जित हुआ हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य है बुद्धत्व की प्राप्ति करना। हमारे जीवन का भी उद्देश्य यही होना चाहिए और बौद्ध करके अगर हम जीवन जीते हैं तो हमने खुश होना चाहिए, हमने सुखी होना चाहिए और हमने आनंदी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सही में हम बौद्ध ही नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम हमारे जो दुख है, हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, जो हमें दुख देती है, वो जो बातें हमारे अंदर है उसको अगर हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसका अगर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो हम बौद्ध नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके ऊपर काम करने के लिए, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जो भी नकारात्मकता है उसको नष्ट करने के लिए और सकारात्मकता का हमारे अंदर विकास करने के लिए हमें ध्यान साधना जरूरी है। एकरूपता प्राप्त करने के लिए हमारे जो स्व है, जो बिखरे हुए स्व है, कई जगह पे हमारा जो स्व है वो बिखरे हुए है, उसको इकट्ठा लाने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है। तो हमारा जो अजागृत मन है उसको जागृत करने के लिए और बिखरे हुए स्व को इकट्ठा करके जब एकरूपता एकाग्रता हम प्राप्त करते हैं तभी हम ध्येय की तरफ बढ़ सकते हैं। जो भी अपना ध्येय होगा, जो भी आपने उच्च आपका जो श्रेष्ठ आध्यात्मिक ध्येय डिसाइड किया होगा उसके तरफ बढ़ने के लिए एकरूपता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे ही सकारात्मक भावना का विकास करने के लिए हम ध्यान करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है, बहुत सारे क्लेशों से भरा हुआ है और अगर मानो अगर हमारा मन बहुत ही नकारात्मक है तो ऐसा जो धुंधला मन है वो सत्य को नहीं देख सकता। ये जो बातें हैं मैं एक रूपक बता के कहना चाहूंगी कि एक तालाब है और तालाब में जो पानी है उसमें अगर हम कंकर फेंकते हैं या कुछ पत्थर फेंकते हैं तो पानी में एक प्रकार से तरंगे उठती है और तब अगर आप इस पानी में अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से खुद को नहीं देख सकते, आपका चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन वो पानी अगर शांत है, वो पानी अगर स्थिर है तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। हमारे बिखरे मन को जब हम इकट्ठा लाते हैं तब सारी शक्तियां है वो एक दिशा में हम लगा सकते हैं। वैसे अगर तालाब का पानी गंदा है तो पानी में खुद को नहीं देख सकते, वह पानी जो है पारदर्शी नहीं होता है, पानी जो है वो गंदा होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो मिट्टी, वो गंदगी अगर नीचे बैठ जाती है, तह पर जाकर बिल्कुल स्थिर हो जाती है, तब पानी पारदर्शक हो जाता है और हमारा मन
क्लेशों से, नकारात्मक भावों से जैसे भरा हुआ है, हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमारे अंदर जमा हुआ है, लेकिन जब हम उसको शांत कर देते हैं तो हम हमारे मन को तहे तक, हमारे मन के तहे तक देख सकते हैं। यह जो जब ऐसा एकरूप शुद्ध ऐसा मन होगा, वही मन हमें आगे लेकर जा सकता है। और इसलिए इस मन को शांत करना, इस मन को संबोधि के लिए तैयार करना, यह हमारा कार्य होता है। और इसीलिए ध्यान की जरूरत है, एकरूपता को बढ़ाने के लिए, सकारात्मकता का विकास करने के लिए, और बोधि की प्राप्ति के लिए, अंतर्दृष्टि की प्राप्ति करने के लिए। तो अगर हम यह नहीं करते, ये सारी बातें नहीं करते, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और संगम में इसके लिए अलग अलग ध्यान बताया है भंते ने, कुछ ध्यान बताया है, आनापानसती है, मैत्री भावना है, और अलग अलग ध्यान है जिसके माध्यम से आप ये जो बातें है मतलब उसको हासिल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पर्याप्त है। थैंक यू। थैंक यू।